यही चेहरा, यही आँखें, यही रंगत निकले, यही चेहरा, यही आँखें, यही रंगत निकले, जब कोई ख्वाब तराशूं तेरी मूरत निकले। इसी उम्मीद पे ख्वाबों से बसाली नींदें, इसी उम्मीद पे ख्वाबों से बसाली नींदें, कभी मुमकिन है कोई ख्वाब हकीकत निकले। मेरा जैसे शेर सुनकर आपको कहीं ऐसे महसूस हुआ कि यार ये तो अपने दिल की बात है, तो मेरा हासिल हो गया। अगर कभी मेरा शेर सुनकर किसी ने सोचा किसी को खुशी, किसी का प्रेमिका को किसने अपना शेर लिख के मेरा शेर भेज दिया और उधर से जवाब भी आ गया, तो वो मेरा हासिल हो गया। मैं इंसानी रिश्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाहता हूँ, बस और कुछ भी, वही हासिल है। दिल ने कितना जहर पिया है समझे कौन, दिल ने कितना जहर पिया है समझे कौन, रंग बदन का क्यों नीला है समझे कौन, रंग बदन का क्यों नीला है समझे कौन, आँखों में तो आंसू भी हैं सपने भी, आँखों में तो आंसू भी हैं सपने भी, किसने किसको जन्म दिया है समझे कौन। गज़ल की ज़बान मोहब्बत की ज़बान है। गज़ल में जो भी बात अपन करते हैं वो प्यार से करते हैं, मोहब्बत से करते हैं, क्योंकि दुखे दिल का आदमी जो है वो ज़्यादा ऑर्डर भी नहीं दे सकता, ज़्यादा चीख पुकार भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्यार की बात करेगा, मोहब्बत से समझाएगा। एक शम्मा की लौ दिल में लहराई बहुत होगी, एक शम्मा की लौ दिल में लहराई बहुत होगी, तुमको भी वफा मेरी याद आई बहुत होगी, तुमको भी वफा मेरी याद आई बहुत होगी, वक्त आबे रवां जैसा, आबे रवां बहता पानी, वक्त आबे रवां जैसा हालात भंवर जैसे, वक्त आबे रवां जैसा हालात भंवर जैसे, जो नाव यहाँ उतरी चकराई बहुत होगी। इसको ये नहीं बोल सकते कि पूरी बात खोल के बयान करने का, जैसे झलक दिखाना बादल में से बिजली चमक चली जाती, वैसे गज़ल का शेर जो है जन से आता चला जाता, लेकिन आपके कई फीलिंग को जगा के जाता। डूबा तो नहीं होगा बेवजह बशर कोई, डूबा तो नहीं होगा बेवजह बशर कोई, उन झील सी आँखों में गहराई बहुत होगी। तेज हो दो तो कुछ और निखर आएंगे, हम कोई लोगों
जाएंगे। तेज हो धूप तो कुछ और निखर आएंगे। बहुत बड़ी हद तक शायरी खास तौर पर वो सेल्फ एक्सप्रेशन है, उसके अलावा नहीं है। सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत बेसिक चीज़ है, आप अपने आप को जाहिर करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा मालूम नहीं हो, महसूस नहीं होता है आपको कि जैसे आपके अपने अंदर बहुत सारे दूसरे भी शामिल हैं। बहते पानी की तरह दर्द की भी शक्ल नहीं, बहते पानी की तरह दर्द की भी शक्ल नहीं, जब भी मिलता है नया रूप हुआ करता है, जब भी मिलता है नया रूप हुआ करता है। मैं भी बहरूप हूँ उसका जो है मेरे अंदर, मैं भी बहरूप हूँ उसका जो है मेरे अंदर, वो कोई और है जो मुझ में जिया करता है। बाहर का और अंदर का जो हमारे यहाँ दाखिलियत और खारिजियत बोलते हैं वो मिट जाती है, और फिर आर्टिस्ट में और उसके समझिए जिसको हम मौजू बोलते हैं उसके विषय में कोई ख़ास फर्क नहीं रहता है। आर्टिस्ट जो है तो खुद विषय बन जाता है, विषय खुद आर्टिस्ट बन जाता है। अक्स हर रोज किसी गम का पड़ा करता है, अक्स हर रोज किसी गम का पड़ा करता है, दिल वो आईना कि चुपचाप तका करता है, दिल वो आईना के चुपचाप तका करता है। रोज राहों से गुजरता है सदाओं का जुलूस, दिल का सन्नाटा मगर रोज बढ़ा करता है। इंस्पिरेशन तो मेरे को कोई किताब से नहीं आता, ये बिल्कुल ईमानदारी की बात है, मैंने कभी किताब से कोई इंस्पिरेशन नहीं लिया। इंस्पिरेशन मेरे को ये आम लोगों से आता है, रास्ता चलते हुए आदमी से आता है, मेरे को इंस्पिरेशन अपने खुद के बच्चों से, बच्चों के से आता है। आज़ादी के बाद हमको एक नए युग में जाना चाहिए था, और वो युग बहुत रोशन होना चाहिए था, बदकिस्मती से नहीं हुआ, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि कुछ ज़रा सा और ज़्यादा हम पीछे जा रहे हैं। और क्योंकि हमने ये सोच लिया कि भाई चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई, हमारे आम आदमी ने ये सोच लिया। हम जब राजनीति में थे उस वक्त ये बोलना कि हमारा क्या फ़ायदा होना होगा इसमें, ये सबसे बड़ी शर्म की बात समझी जाती थी। सबसे बड़ी शर्म की बात ये थी कि हमको क्या मिलेगा इसमें। अगर कोई किसी के बारे में ये होता था कि भाई इसने वो फलां आदमी का काम करके उससे 5 रुपये लिया, तो उसकी पोजीशन पार्टी में ख़राब हो जाती थी। आज तो ये है कि पार्टी में आपकी पोजीशन इसलिए बड़ी हो जाती है कि आप पार्टी को फंड उसका दे रहे हैं, टिकट लेने के लिए 50 लाख रुपये आप दे रहे हैं, तो पार्टी की समझ में नहीं आता कि कहाँ से आए 50 लाख। कि कुछ हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा है ख़ुद ब खुद, या कंपटीशन की वजह से कहिए या टेम्पटेशन की वजह से कहिए, कि आपको कभी ना कभी करप्शन की तरफ जाना ही पड़ेगा उसको मेंटेन करने के लिए। आपको लाकर ऐसी जगह छोड़ दिए कि अब आप जो है न पीछे नीचे उतर सकते हैं और न कुछ कर सकते हैं, अब उनकी उंगली पकड़ के आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये एक जनरल मजबूरी हो गई, मजबूरी हो गई।
कदम कदम पर जाल बिछा है रस्तों का, कदम कदम पर जाल बिछा है रस्तों का, कौन सा रास्ता मंजिल का है समझे कौन। ये लालच जो है सो ये पैदा किया गया है, यानी आम आदमी को, मेरा ऐसा ख्याल है कि हमारे इतने देने की आज़ादी के बाद की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हासिल अपने को ये मिला कि आम आदमी को भी करप्ट कर दिया, जिसकी वजह से करप्शन अब कोई शर्म की बात भी नहीं रही, बल्कि कुछ लोग तो बोलते हैं कि भाई क्या कमाया उसने, हर दो साल पहले तक जो है तो वो साइकिल पे फिरता था बल्कि पैदल फिरता था, अब तो मर्सिडीज कार में फिर रहा, इतने बंगले हैं। उसके ऊपर कोई ये बोलने वाला नहीं है आज, या ये सोचने वाला नहीं है कि ये बहुत बुरा काम किया उसने। शर्मा की रुत काट के आने वाले परिंदों ये तो कहो, शर्मा की रुत काट के आने वाले परिंदों ये तो कहो, दूर देश को जाने वाले कब तक लौट के आएंगे। कल्चरली अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो मुमकिन है थोड़े बहुत झगड़े हो ही जाएंगे, भाई आपके पास ज़्यादा है मेरे पास कम है, ज़रा सा कुछ हो जाता है वो, लेकिन वो झगड़े अलग किस्म के रहते हैं, उसमें एक अपनापन भी रहता है, उसमें वो दूसरे कुछ हो सकता है कॉम्पिटिशन, कोई बड़ा व्यापारी बन गया कोई छोटा रह गया, वो बड़ा व्यापारी छोटा व्यापारी चाहता है फिर उसको कोई, ये अपना छोटी मोटी बात है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर के जरिए हो सकता है। जिंदगी थी किसी बाजार का मंजर, जिंदगी थी किसी बाजार का मंजर जैसे, हम भी माथे पे सजाए हुए कीमत निकले। ये जिंदगी ने आपको हर चीज़ को कमोडिटी बना दिया है, आप पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, सब इसलिए कर रहे हैं कि तो अपना भी कुछ होना चाहिए। तो ये आज की जिंदगी ने, मैं समझता हूँ कि इंसान को भी कमोडिटी बना दिया है, सबसे बड़ी उसकी फीलिंग्स को कमोडिटी बना दिया, उसके ऊपर व्यापार होता है। उससे वाबस्ता एक एक चीज़ को छू कर देखें, उससे वाबस्ता एक एक चीज़ को छू कर देखें, दिल बहल जाने की शायद कोई सूरत निकले। निशानी जो सदा याद रहे, जख्म की बात ही क्या, जख्म तो भर जाएंगे, कभी टूटे हैं न टूटे दिल के रिश्ते, तू ना होगा तो तेरे बनाएंगे।
जानते सब हैं बिखरना है मुकद्दर अपना, जानते सब हैं बिखरना है मुकद्दर अपना, चाहते सब हैं मगर ये ना हकीकत निकले। और लिटरेचर एजुकेट भी नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्ट जो असर डालता है लोगों के दिलों पर, लोगों की सोच पर, लोगों के जमीन पर, तो मैं समझता हूँ कि करके देखें जितना अपने से होता है। 50 लोगों को अगर अपन जोड़ लें, 100-200 को जोड़ लें, उनके ही एक आधे छोटा सा एक ग्रुप बन जाए जो एक दूसरे को कुछ और ना कर सकें, एक दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझने लगे। मैं हमेशा बोलता हूँ एक बात कि आदमी कुछ और से सच्चा हो या ना हो, आप लड़की हैं या नहीं सच्ची है उसका तो आपका जाने, लेकिन अपने आप के साथ सच्चा होना चाहिए। एक साहब बड़े सख्त आदमी थे, बड़े आदमी थे, वो बेटे के ऊपर बड़ी पाबंदी वगैरह। बेटे ने एक दिन डरते डरते बोला कि मैं वो फला लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वो डरते डरते बोला, तो उसने बोले कि भाई क्या उसमें क्या खूबी क्या है, तो उसने बोला कि नहीं उसके वो जो गाल के ऊपर एक तिल है वो बहुत अच्छा लगता मेरे। तो उसने बोला बेवकूफ़, तेरे से बढ़कर बेवकूफ़ कोई नहीं, इतने से तिल के हाथ से पूरी की पूरी लड़की गले में डाल ले रहा क्या। तो ये तो कोई एक चीज़ नहीं रहती है। भाई अब वो तो ये बड़े बड़े फलसफे हैं भाई, ये अपने पास सूफी संतों सब काम करते करते पूरी जिंदगी गुजार दी है। सच्चा प्यार तो आप कैसे बोलेंगे, सच्चा प्यार ये रहता है कि जो जिसमें आपको कोई मांगने की या वापसी की कोई ना दिल में रहता है कि हम ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा, कुछ नहीं। हम इससे प्यार करेंगे तो वो लड़की हमसे बात कर लेगी या हमसे आ जाएगी या हमारे साथ शादी कर लेगी। सच्चा प्यार ये नहीं सोचता, सच्चा प्यार सिर्फ ये है कि प्यार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। अपने आप क्या जो प्यार का कंसेप्शन है शायरी में लिटरेचर में, वो असल में एक जैसे मुसलमानों में जिसको तसव्वुफ़ बोलते हैं या हिंदुओं में भक्ति, तो वो उसका जो माशूक है वो तो है एक भगवान या खुदा जो सारी कायनात को चला रहा है। जब आप खुदा की जगह अपनी महबूबा को रख रहे हैं तो आपको इसकी फिक्र नहीं रहती है कि वो आपको जवाब दे रही है या नहीं दे रही है। आपका काम है परस्तिश करना, आपका काम है। वक्त कड़ा है दस्तक देता सूरज दरवाजे पे खड़ा है, वक्त कड़ा है दस्तक देता सूरज दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन किसमें हिम्मत है जो सांकल खोले, वक्त से बोले तेरी पलक में उलझा आंसू रस्ते की दीवार बना था, अंधियारा कब इतना घना था, अंधियारा कब इतना घना था। जिंदगी का हासिल खुद जिंदगी है, जिंदगी का हासिल मेरे नज़दीक आप जिंदगी को अच्छी तरीके से बसर करें 50 साल 60 साल 10 साल 15 साल होश आने के बाद, तो आपने जो एंजॉय किया जिंदगी को या जो दुख उठाए वो खुद उसका हासिल है। जिंदगी मैं हूँ कहाँ पाओगे तुम राज मेरा, धूप है मेरी अदा जाननी अंदाज मेरा, आग भी पानी भी मैं फूल भी शबनम भी मैं कुल फिशा लक्ष्मी हूँ मैं केसुए बरहम भी मैं, क्यों परेशान हो तुम मुझको न समझोगे अभी, यूं ही बेमाना सवालात में उलझोगे अभी, यूं ही चलते रहो मैं राह दिखाती जाऊँ, एक एक करके नकाब अपने हटाती जाऊँ, जितने भी मिले जिसको हिस्सा उसका एक कड़ी मेरे फर।
आपको उदासी उदासी मालूम ही नहीं होगी अगर आप आम जिंदगी से जुड़ जाए तो। इलाज भी उसी में है, जो आपकी बीमारी है उसी के अंदर इलाज है। बशर अपना गुजर फिर होगा, उन्हीं राहों से बशर अपना गुजर फिर होगा। फिर कोई ख्वाब निगाहों में हमें बसा यही चेहरा यही आँखें यही रंगत निकले जब कोई ख्वाब तराशूं तेरी मूरत।